देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं, और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें, और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं, और नहीं तो बेवजह केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमने पूर्व में भी जब ये विवाद उठा था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई लेना देना रहा है उस मामले में। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का जो कार्य किया गया है वो मुंबई के एक दानीदाता हैं, उनके द्वारा किया गया, और उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही कार्य संपादित कराया। मंदिर समिति ने न ही सोना खरीदा और न ही उन्होंने मंदिर समिति को सोना दिया है। दानीदाता के बारे में यह भी कहना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने देश के तमाम मंदिरों में स्वर्ण के कार्य कराए हैं, उनमें काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ से लेकर के मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर के अयोध्या में राम मंदिर में, और इससे पूर्व उन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी ये कार्य कराया था, और वो एक बहुत बड़े दानी है। और इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानीदाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। और इस बारे में जो उन्होंने कहा कि 228 किलोग्राम सोना चोरी हुआ, मैं इस बारे में एक बात और भी आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा, और पूर्व में भी हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो दानीदाता द्वारा जो स्वर्ण लगाया गया है वो लगभग वो 23 किलोग्राम के करीब है, और क्योंकि उस समय जब ये स्वर्ण मंडित किया जा रहा था गर्भगृह को, उस समय उससे पूर्व वहां पर गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी, और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम था। तो मीडिया के कुछ लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि चांदी की प्लेटें 230 किलोग्राम की हैं, तो स्वाभाविक रूप से सोने की प्लेटों का वजन भी 230 किलोग्राम होगा। तो इस बात को प्रचारित हुई, जो चांदी की प्लेट होती है वो पूरी तरीके से चांदी से ही निर्मित प्लेटें होती हैं, जबकि जो सोने की प्लेटें होती हैं, सोने की प्लेटें कॉपर की प्लेट पे उन पर बर्क चढ़ाया जाता है, सोने का लेयर चढ़ाई जाती है उन पर। तो जो केदारनाथ धाम में जो स्वर्ण लगाया गया है वो 23 किलोग्राम करीब सोना है उसमें, और 1000 किलोग्राम करीब तांबे की प्लेटें हैं। और ये तकनीकी पूरे देश में जितने भी मंदिरों में स्वर्ण को लेकर के जो भी कार्य हुए, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे गोल्डन टेंपल हो, सभी जगह इसी तकनीक के आधार पर स्वर्ण मंडित कार्य कराए जाते हैं। तो इसलिए मेरा फिर एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और वो साधु संत के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हैं, और संत होने के नाते उनको इस प्रकार के दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, और संत के रूप में उनको सद्भाव का संदेश देना चाहिए, समाज में अच्छे संदेश देना चाहिए, बजाय कि इस प्रकार के हिंदू धर्म के प्रति, जैसे पूर्व में भी उनके कई बार बयान आते रहे हैं, राम मंदिर के समय में भी उन्होंने विरोधाभासी कई तरीके के बयान दिए थे, तो इस प्रकार के उनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस के एजेंडे के अनुरूप नहीं चलना चाहिए। का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया,
ये कहाँ का नियम है, क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। मेरा नाम सुरेंद्र रोतेला है, मैं श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट का अध्यक्ष और फाउंडर हूँ, और मेरे साथ ये सुमन जी हैं जो कि देहरादून से बिलोंग करती हैं, और दगड़ हम बैठे हैं शशि मनोहर कोटनाला जी जो रिकिड़खा ब्लॉक बड़ी बिलोंग करता। देखिए, जो हमने सुना कि कुछ लोगों को उसमें शायद आपत्ति है केदारनाथ धाम या केदारनाथ मंदिर को लेके, मैं तथ्यों के साथ आपको देखना चाहता हूँ। जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वो मुख्य रूप से सोमनाथ मंदिर जो उसके ऊपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश के अलावा ये बेंगलोर में भी बना हुआ है, उसके ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं करी। तीसरा है महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में है, उसके अलावा नागपुर में भी ऑलरेडी बना हुआ है। जो सारे तथ्य मैं बोल रहा हूँ ये गूगल पे अवेलेबल हैं और सारे हमारे धार्मिक जगह शास्त्रों में अवेलेबल है। चौथा है ओंकारेश्वर, जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा जयपुर में भी बना हुआ है। उसके बाद पांचवा है बैद्यनाथ, जो कि बैद्यनाथ में है, उसके अलावा नागपुर में भी बना हुआ है। छठा है भीमाशंकर, महाराष्ट्र के अलावा पुणे में भी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। सातवां है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु के अलावा वाराणसी में बना हुआ है। आठवां है नागेश्वर, जो कि गुजरात के अलावा हैदराबाद में बना हुआ है। नौवां है काशी विश्वनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई में भी काशी विश्वनाथ बना हुआ है। दसवां है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक महाराष्ट्र के अलावा ये बेंगलोर में भी बना हुआ है। ग्यारहवां है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बेंगलोर में बना हुआ है, और मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब 6 साल पहले से बना हुआ है। वहाँ केदारनाथ धाम लिखा हुआ है, उसकी किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। और दुबई में बना हुआ है, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है दुबई के अंदर, उसकी भी आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। बारहवां है गणेश्वर, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है, इसके अलावा चेन्नई में ही बना हुआ है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ये ज्योतिर्लिंग है वो हिमालय में, जो कि खुद भगवान शिव ने वहाँ पे आके अवतार लिया था, उनके द्वारा सतयुग में बनाया हुआ ये हमारा ज्योतिर्लिंग है, ये हमारा केदारनाथ धाम है। हम इसको दिल्ली में कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, दिल्ली में सिर्फ केदारनाथ का मंदिर बनने जा रहा है। जो लोग इसमें आपत्ति करना चाह रहे हैं, उनको भगवान मति दे, सुमति दे, और उनको इसी इच्छा के अनुसार जो हम गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत हो, नहीं तो जो लोग इस पे विरोध कर रहे हैं उनके साथ अपने आप शिवजी देखेंगे उनको। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं, कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है, तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है, जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? ये लक्ष्य हमको रखना चाहिए था, अब की बार 543 अब की बार विपक्ष बाहर, ऐसा कुछ कहते तो अच्छा लगता। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिला करके 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? क्यों नहीं बना था तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है। अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी जो है
मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रौतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोल्ड भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा और फिलहाल जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं।